हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है टैली में, सेल्स और परचेज वाउचर में, कि उनकी जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती है, उन्हें मैनुअल फिट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी किस मिस्टेक के कारण टैली में ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम F11 यानी फीचर्स में, स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, अगर हमने जीएसटी को इनेबल नहीं किया होगा तो ना तो जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे हमारे पास टैली में, और ना ही हमारी जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना होता है, और यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं भी डाला होगा तो यहाँ पर आपको जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यानी जो ऑटो कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर नहीं डालना है अपना, डालना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला है, आप डालना भूल गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दो चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है, एक स्टेट और एक रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर आप इसमें मिस्टेक कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो जीएसटी की कैलकुलेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक आइटम से रिलेटेड, हमारी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसके कारण हमारी जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। तो आ जाइए इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम्स में। यहाँ पर मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी होगी। जैसे इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल का अगर केस बनता है किसी स्टॉक आइटम पे तो यस करना है, अदरवाइज जैसे यस नहीं करना है। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और जो भी आपकी सिचुएशन, अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट आपको ले लेना है, और यहाँ पर आपको अपना जो जीएसटी रेट है आइटम का वो यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है तो उस सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपकी जो ऑटोमेटिक जीएसटी की कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लेजर से रिलेटेड मिस्टेक के बारे में, कि हम कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं लेजर क्रिएट करते वक्त कि जिसके कारण हमारी जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम टैक्सेस लेजर के बारे में बात करेंगे, जैसे सीजीएसटी। तो देखिए, जब आप सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, उसके बाद टैक्स टाइप आप सेंट्रल टैक्स चूज करेंगे। यहाँ पर मैं ये कॉमन लेजर की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करते हैं तो नेम में आप जो भी जीएसटी का रेट है वो आप डाल देंगे, उसके बाद परसेंटेज में आप उसका जो जीएसटी का रेट है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और ये जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ रेगुलर पर्सन के लिए बता रहा हूँ, मैं कंपोजिट डीलर के लिए नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आईजीएसटी के केस में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स लेना होगा, और एसजीएसटी के केस में सब कुछ सेम रहेगा, टैक्स टाइप में आपको स्टेट टैक्स लेना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि कहां कहां पर हमारी कौन कौन सी मिस्टेक होती है जिसके कारण हमारी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाती है। इसके बाद सेल्स का ये जो कॉमन लेजर है, यानी कि यहां पर मैंने मल्टीपल लेजर यूज नहीं किया है। अगर मैं अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम डील करता हूं और मैं अलग अलग बायफर्किट करके नहीं देखना चाहता हूं तो हम कॉमन लेजर का यूज करते हैं सेल्स और परचेज का। तो यहां पर देखिए, आपको मैंने सेल्स लिखा है, अंडर में लिया है सेल्स अकाउंट, उसके बाद यहां पर जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रखा है, यहां पर मैंने सेट नहीं किया है क्योंकि जो आइटम्स मैंने जीएसटी लगाई है उसी के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी सेल्स और परचेज वाउचर में। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स के केस में गुड्स, सर्विस के केस में सर्विस, परचेज के केस में भी सेम रहेगी सारी चीजें, सिर्फ आपको यहां पर अंडर में परचेज अकाउंट चूज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम मल्टीपल लेजर्स के बारे में। जैसे कि यहां पर मैंने एक मल्टीपल लेजर क्रिएट किया है सेल्स का, 5% जीएसटी रेट आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी जीएसटी रेट है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीपल लेजर्स यूज करते हैं तो आप इसी तरीके से क्रिएट करेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो आइटम में जीएसटी रेट डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग टैली आपकी कैलकुलेशन कर लेगी। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मल्टीपल लेजर के केस में आप कर सकते हैं, कॉमन लेजर के केस में आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सेल्स के लेजर में कभी भी एचएसएन कोड वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि आपने आइटम में डाल रखा है, इसीलिए यहां पर नहीं एंटर करेंगे। इसके अलावा जो ये ऑप्शन आपको मिलता है इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसे आप नो रखेंगे। अगर आपका आइटम नॉन जीएसटी गुड्स है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा।
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि सेल्स का जो ये लेजर है आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों केस में यूज करेंगे, यानी आप अपने भी स्टेट में सेल करेंगे और अदर स्टेट में भी सेल करेंगे तो यही लेजर यूज करेंगे, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर आप इस तरीके से मल्टीपल लेजर क्रिएट करते इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 5%, तो उस केस में आप यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल ले सकते थे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस तभी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है जब आप पार्टिकुलर उसी चीज के लिए सेल्स लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे तो आपको बार बार सेल्स और परचेस के टाइम, जैसे कि ये सेल्स का लेजर है तो सेल्स वाउचर में बार बार आपको वहां पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को चूज करना होगा अगर आप इंटर स्टेट में सेल करना चाहेंगे, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होगा और यहाँ पर आपका जो जीएसटी रेट आपने डाला हुआ है नेम में जैसे 5%, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा तो अच्छा ये रहेगा कि आप जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स है उसे नो रखें, इन सारे ऑप्शंस को फिल ना करें क्योंकि आपने आइटम में ऑलरेडी फिल कर रखा है, इसीलिए हम डबल मेहनत क्यों करें। अगर बाय मिस्टेक आपसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, जो मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है। कई कारण ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं जिसके कारण हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को भी यहाँ पर नो रखना होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीपल लेजर्स भी कैसे क्रिएट करने हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखें। अगर आप फिर भी यस करके उसमें सारी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कब कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सी डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूं कि जो हम पार्टीज के लेजर्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो डेटर्स हों या क्रेडिटर्स, तो वो कैसे क्रिएट करने हैं। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी कि नेम में नेम लिखना है, उसके बाद संडे डेटर, उसके बाद यहां पर आपको कंट्री स्टेट इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यहां पर चूज करना होगा, रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिट डीलर है तो कंपोजिट डीलर। फ्रेंड्स इस चीज से आपकी ऑटो जीएसटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भूल से कंपोजिट डीलर भी चूज कर लिया है जबकि वो था रेगुलर, तो उस केस में आपकी जो ऑटो कैलकुलेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी नंबर आपको परफेक्ट डालना है और जो स्टेट है उसी स्टेट का जीएसटी नंबर डालना है। अगर आपने जीएसटी नंबर किसी और स्टेट का डाल दिया तो आपकी यहां पर कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। और यहां पर सिर्फ आपको जो मैंने आपको बाहर दिखाया वही चीज आपको अंदर भी दिखाई दे रही है यहां पर, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपको और भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहां पर रेगुलर चूज करना है और जीएसटी नंबर ही एंटर करना है जो आपने बाहर डाला। जो जैसी सिचुएशन हो, अगर मान लीजिए एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी है तो उस केस में यस करेंगे, इज ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा, और डीम्ड एक्सपोर्ट है तो यस होगा, अदरवाइज नो रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी लेजर्स क्रिएट करते वक्त। अब हम बात करेंगे कि एंट्री टाइम हमसे कौन सी ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसके कारण हमारी जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स वाउचर के बारे में। तो देखिए जैसे हम डेटर को सेल करते हैं तो हम सबसे पहले डेटर का लेजर सेलेक्ट करते हैं, और यहां पर देखिए अगर आपने लेजर सेलेक्ट कर लिया तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है जो आपने लेजर में फिट की है। लेकिन अगर आपने यहां पर आते सहित कंट्री चेंज कर दी बाई मिस्टेक, या स्टेट चेंज कर दिया, या यहां पर जीएसटी नंबर चेंज कर दिया, या जीएसटी नंबर को हटा दिया, तो उस सिचुएशन में आपकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाएगी। अब यहां पर जैसे मैंने सेल्स का कॉमन लेजर ले लिया, अब मैं यहां पर आइटम लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर 10 पीस 100 रुपए के रेट से, अब यहां पर सीजीएसटी, देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, सिर्फ मुझे लेजर चूज करना पड़ा। इससे रिलेटेड भी मेरे पास वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि अगर आप यहाँ पर लेजर चूज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी के केस में आईजीएसटी आ जाए, तो वो भी आप सेटिंग्स देख सकते हैं मेरी उस वीडियो में कि कैसे करनी होती है। तो वापस से हम आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन हुई, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन वो नहीं हो पाई। अब यहाँ पर अगर मैं आईजीएसटी ले लूँ तो आप देखिएगा कैलकुलेट हो गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो स्टेट है उसे चेंज कर दिया। इस तरह की अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप देख लें। आइटम में अगर आपने जीएसटी रेट वगैरह ठीक से नहीं डाला है, एचएसएन कोड वगैरह नहीं डाला है, एचएसएन कोड से ऐसे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें अगर फिल ठीक से नहीं की हैं तो आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा अगर आपने सेल्स के मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किए हैं तो उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे सेल्स वाउचर में,
यानी कैसे एंट्रीज पास करेंगे और वहां पर कौन सी ऐसी मिस्टेक होगी जिसके कारण हमारी ऑटोमेटिक जो जीएसटी की कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक ही इनवॉइस में अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम को डील करते हैं यानी सेल करना चाहते हैं और आप मल्टीपल लेजर्स यूज करते हैं, तो आपको सेल्स वाउचर में सबसे पहले एक सेटिंग को करना होगा F12 यानी कॉन्फिग में। यहां पर आपको ये जो ऑप्शन मिलता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो कर लेना होगा और कंट्रोल एस से सेव कर लेना होगा। उसके बाद आपके पास यहां पर जो लेजर्स चूज करने के ऑप्शन आते हैं सेल्स वाउचर में वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट पार्टी का ऑप्शन आएगा। पार्टी के ऑप्शन के बाद आप यहां पर देखिए, आप जब आइटम चूज करेंगे, जैसे कि ये मैंने पेन चूज कर लिया, यहां पर मैंने क्वांटिटी रेट्स वगैरह डाल दिए, यहां पर हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पेन के अंदर मैंने जीएसटी रेट डिफाइन किया 18%, तो यहां पर आपने जो सेल्स का 18% का लेजर क्रिएट किया है मल्टीपल, वो आप चूज करेंगे। उसके बाद जो अनदर आइटम है जैसे पेंसिल है, यहां पर नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर मैं सेल्स का 5% कर लूंगा क्योंकि मैंने इस आइटम के अंदर 5% जीएसटी रेट डिफाइन किया है। यहां पर देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अगर मैं यहां पर पेंसिल में, अगर मैं यहां पर जो मैंने लेजर चूज किया था, अगर मैं इसे चेंज कर दूं 18% वाला कर लूं, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सिर्फ आप जब पीएल में जाके देखेंगे तो ये जो पेंसिल की सेल है आपको दिखाई देगी 18% के लेजर में, लेकिन 5% के लेजर में आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि इसे दिखाई देना चाहिए था 5% वाले लेजर में। तो फ्रेंड्स उससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके का मल्टीपल लेजर क्रिएट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैंने दो लेजर्स क्रिएट किए हैं, इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 5% और इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 5%। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों जगह सेल करते हैं और वो बहुत ज्यादा बाय फर्किट करके अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं पीएल वगैरह में, तो वो इस तरीके से भी लेजर क्रिएट करते हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो कहां पर होती है सेल के टाइम, वो मैं बता देता हूं। अगर मानकर चलिए आपने भी इस तरीके के लेजर क्रिएट किए हैं, देखिए जैसे इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 5% ये मैंने क्रिएट किया है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर फ्रेंड्स आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को फिल नहीं किया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपने इस ऑप्शन को स्किप कर दिया है तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर आपने बाय मिस्टेक किसी आइटम को सेल करते वक्त, जो मैंने अभी आपको विंडो दिखाया था सेल्स वॉचर में, एक ऑप्शन को डीएक्टिवेट करने के बाद कि आप आइटम के बाद डायरेक्ट एक विंडो देखेंगे जहां पर आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, वहां पर अगर आपने इंट्रा स्टेट के केस में इस लेजर को भी सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपकी जो जीएसटी की कैलकुलेशन है वो हो जाएगी अगर आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखा है। लेकिन अगर आपने इसे यस कर दिया है और सारी डिटेल्स फिल कर दी है और उसके बाद अगर आप आइटम को सेल करते वक्त वहां पर इंट्रा स्टेट के केस में इंटर स्टेट का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पर फ्रेंड्स आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी, वहां पर आपकी आईजीएसटी कैलकुलेट होगी। तो देखिए जैसे मैं यहां पर यस करके दिखाता हूं कि मैंने क्या फिल किया है, यहां पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस में मैंने इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल फिल किया है और यहां पर जीएसटी रेट डिफाइन कर दिया जो मैंने लेजर के नेम में डाला है। फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सेल के केस में भी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आपको यहां पर सेल्स टैक्सेबल चूज करना होगा अगर आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स की जो विंडो है इसे फिल करते हैं तो, अदरवाइज अगर आप नो रखते हैं तब तो फ्रेंड्स आपको कुछ फिल नहीं करना है। अब देख लीजिए, अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहां पर जैसे मैंने ये पार्टी वापस से ले ली, अब यहां पर ये मेरी पार्टी है मेरे स्टेट की, इसे मुझे सेल करना है पेन 10 पीस, और मैं उस तरीके का अगर लेजर चूज करके यहां पर सेलेक्ट करता हूं, मानकर चलिए यहां पर मुझे चूज करना चाहिए इंट्रा स्टेट क्योंकि मैं अपने स्टेट में सेल कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहां पर आइटम चेंज कर लेता हूं। ये मेरा 18% का आइटम है, यहां पर मैं 5% वाला आइटम ले लेता हूं जिसमें मैंने जीएसटी रेट 5% डिफाइन किया है। अब यहां पर देखिए इंट्रा स्टेट लूंगा तो मेरी सारी कैलकुलेशन परफेक्टली होंगी, जैसे देखिए अब यहां पर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लूंगा, देख सकते हैं कैलकुलेट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर इंटर स्टेट का लेजर ले लूं तो क्या होगा, यहां पर अब आईजीएसटी कैलकुलेट होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो भी आपकी ऑटो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्रेंड्स कई लोगों को मैंने देखा है जो लोग 10,000 से कम की परचेजिंग करते हैं वो कैश में कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि जब हम एंट्री पास करें परचेज वाउचर में तो उसके बाद हम जो पेमेंट वाउचर है जिसमें हम कैश की एंट्री पास करेंगे, जिस पार्टी से हमने परचेज किया और कैश पे किया है, वो हम एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं करें, हम डायरेक्ट परचेज वाउचर में ही एंट्री कर लें। तो सिचुएशन में बहुत से लोग करते क्या है,
इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं, डेट डालते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट कैश ले लेते हैं, यहाँ पर पार्टी तो लेते ही नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर आइटम ले लेते हैं, जो भी आइटम उन्होंने परचेस किया है ले लेते हैं। उस सिचुएशन में फ्रेंड्स आपकी जो कैलकुलेशन है, चाहे वो जीएसटी में सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक टैली को ये पता नहीं चलेगा पार्टी अकाउंट नेम में कि जिससे परचेस किया गया है उसका जीएसटी नंबर क्या है और वो किस स्टेट का है, तब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि टैली को ये पता ही नहीं कि वो इंटर स्टेट परचेज है कि इंट्रा स्टेट परचेज है। तो यहाँ पर आपको पार्टी तो डालनी ही है, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये जो, अगर मानकर चलिए मैं 6 महीने बाद जाकर देखूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो परचेज किया था मैंने किससे परचेज किया था, और जीएसटीआर 2 में भी आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से जो रिपोर्टिंग जाती है हमारी जीएसटीआर 2 में वहां पर कैसे पता चलेगा कि आपने ये किससे परचेज किया, आप रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पार्टी तो लेनी ही लेनी है। बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर कैश चूज कर लेते हैं। तो अब मैं बताता हूं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि परचेज वाउचर में रहते हुए मैं दूसरी एक एंट्री पास नहीं करूं पेमेंट वाउचर में कैश की या बैंक की, अगर मान लीजिए आपने बैंक से ही सेम डे पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपने माल उठाया है, तो आप यहां पर कैश या बैंक चूज कर लें। उसके बाद यहां पर अल्ट के साथ आप एम प्रेस करें, या यहां पर आपको बटन बार में पार्टी लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहां से आप अपनी पार्टी चूज कर लें जिससे आपने परचेस किया। जैसे मैं यहां पर राम चूज कर लेता हूं, तो देख सकते हैं यहां पर उसका जीएसटी नंबर और उसकी जो भी डिटेल्स है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर सीजीएसटी ले लेता हूं क्योंकि ये मेरा इंट्रा स्टेट का केस है, तो यहां पर ये जो कैलकुलेशन है वो होने लगी है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसके लिए अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, कैश की जो आपने कैश पे किया है आपका इसी एंट्री में ये दोनों काम हो गए और आपकी जीएसटीआर 2 में भी रिपोर्टिंग चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इससे सिर्फ एक फर्क पड़ता है, जब आप पार्टी का लेजर देखेंगे यानी राम का जब आप लेजर देखेंगे तो वहां पर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने यहां पर पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले लिया, इसलिए जो पार्टी की डिटेल्स है वहां पर आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स जीएसटी जब एप्लीकेबल हुई थी इंडिया में तो हम एक और प्रॉब्लम फेस करते थे जिसके कारण हमारी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हुई है इंडिया में 1 जुलाई 2017 को और जब टैली आई लेटेस्ट वर्जन, तो उसके बाद बहुत से लोग ऐसा करते थे कि डेट पीछे की रह जाती थी, यानी 1/4 1/5 1/6 2017 की डेट रह जाती थी और वो एंट्री पास कर लेते थे, तो उस सिचुएशन में कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी 1 जुलाई 2017 से, तो उसके बाद की डेट से जब भी आप कोई भी एंट्री पास करेंगे और सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई अगर आपकी परफेक्ट है तो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन 100% होगी। फ्रेंड्स अगर आप उससे पीछे की डेट में कोई एंट्री पास करें, बाई मिस्टेक आपने डेट चेंज नहीं किया, तो उस सिचुएशन में भी आपकी जो जीएसटी की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स अगर आपकी सारी चीजें परफेक्ट है उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपकी टैली में जो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो जीएसटी की नहीं हो पा रही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप एक चीज देख लें अपनी टैली में कि अगर आपने कोई टीडीएल लोड कर रखी है टैली में तो उसे सबसे पहले डीएक्टिवेट करें, उसके बाद देखें कि आपकी कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं। अगर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होने लगती है तो इसका मतलब है कि उस टीडीएल की वजह से आपकी ऑटो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कई टीडीएल्स ऐसी होती है जिसमें कुछ ऐसी कोडिंग्स होती है जिसमें जो हमारी टैली की बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो ठीक से वर्क नहीं करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको स्टेशन एंड टैक्सेशन में एक और बात बताई थी कि वहां पर आपको सारी डिटेल्स फिल सही से करनी है, लेकिन वहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसी जेड में नहीं है तो उस सिचुएशन में वहां पर एक एसेसरी ऑफ अदर टेरिटरी का ऑप्शन है, उसे यस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।